पहले जब रेड से ऑरेंज से आया था तो भी अपन सबने निपटा था और उसमें लोगों की भूमिका बहुत बढ़िया रही थी। लोगों ने अपने घरों के अंदर रहे थे, लेकिन हमेशा घरों के अंदर नहीं रह सकते, बाहर निकलना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा, अपने धंधे पानी करने पड़ेंगे, दुकान खोलनी पड़ेगी, व्यापार खोलना पड़ेगा। लेकिन कोरोना से लड़ाई हमेशा करनी पड़ेगी, और लड़ाई करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ दो शस्त्र है हमारे पास, एक है ये मास्क और दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। अगर ये दो शस्त्र अपने साथ में रह के लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, और ये जिसने ये दो शस्त्र अपने साथ नहीं रखे तो फिर कोरोना हावी होगा। तो इसलिए ये मैसेज हर गांव हर व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए। क्योंकि अब जो प्रवासी आ रहे हैं और वो सारे प्रवासी हमारे गांव में आ रहे हैं ज़्यादातर अधिकतर, तो गांवों के अंदर उनकी जो क्वारंटीन व्यवस्था है उसी को मैं देखने के लिए 3 दिन कंटिन्यूस एक एक व्यवस्था, चाहे वो सब डिवीज़न लेवल पे हो, चाहे हमारे ग्राम पंचायत लेवल पे हो, चाहे उनके होम क्वारंटीन लेवल पे हो, ये सारी व्यवस्थाएं देखेंगे। चौकस पूरा रहेगा, पूरा स्टाफ है, जितने क्वारंटाइन लोग हैं उनके घर ड्यूटियां लगा दी गई है कि भाई ये 3 घंटे मतलब 3 शिफ्टों में या 2 शिफ्टों में, तो वे एक व्यक्ति गांव का जो चाहे BLO है चाहे टीचर है उसकी ड्यूटी है कि इस पर्टिकुलर टाइम में वो उनको देख रेख करेगा। फिर हमारा COVID-19 इन्फो ऐप है, वो उनके फ़ोन में डाउनलोड कर लिया है, तो जैसे ही यदि वो अपने घर से बाहर उसको ब्रीच करता है, क्वारंटीन को ब्रीच करता है, तो वो चीज़ सामने आएगी और वो उसकी जिम्मेदारी फिक्स होगी। वहाँ पर जो विलेज निगरानी कमेटी है उसकी जिम्मेदारी होगी, जो उसके नेबरहुड है जिन्होंने जमानत दी है उनकी जिम्मेदारी होगी, जो व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी जिम्मेदारी होगी। ऊपर लेवल से लेकर नीचे लेवल तक पूरे सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी जोड़ी गई है। CEO को इसका हेड बनाया गया है जो क्वारंटीन देखेगा, CEO जिला परिषद उसका हेड है, और उसके साथ साथ हर BDO और हर SDM की ड्यूटी है कि वो विलेज निगरानी समिति को उसका गठित भी हो और साथ में वो बिल्कुल काम भी करेगा, लेकिन पेपर पे गठित नहीं हो जाए, और साथ में जो ड्यूटीज़ फिक्स हों जिनकी ड्यूटीज़ हैं वो उसका ध्यान रखें। चौथी मेन बात जो मैंने बताई कि लोगों को जानकारी हो कि कोई व्यक्ति है जो बाहर से आया है, और उसकी एकदम सूचना भी देंगे और जो निगरानी कमेटी है उसके बारे में बताएगी। साथ ही अब तो ये व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो नाके पे ही जो व्यक्ति आएगा उसका Form 4 जो भरा जाता है वो भर दिया जाएगा, ताकि उसका जो ऐप डाउनलोड किया जा सके और उसका मूवमेंट हमें टेक्नोलॉजी से भी पता लग सके। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैनुअली व्यक्ति भी लोग लगे रहेंगे। सबसे अगर हमने इन लोगों को क्वारंटीन में रख लिया स्ट्रिक्टली और इनको 14 दिन का और 2 साइकिल्स हमने 14-14 दिन की निकाल ली, तो अपनी कुछ लोग अगर पॉजिटिव हैवी और एसिम्टोमेटिक हैं तो अपनी इम्यूनिटी से ठीक हो जाएंगे। बाकी हम 20% से 30% इनके टेस्ट भी कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो सामने भी आ सकें।